सो हे व्यूअर्स, मैं व्याम होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एडमिशन के वक्त, ठीक है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन जो है नहीं होने वाला। अगर आप रिजल्ट आने के बाद अगर आप कट ऑफ के अंदर भी आ जाते हो तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं होने वाले, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो जो बहुत ही पहले बना दिया हूँ जिससे आपका कोई भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो सो गाइस, तो एडमिशन के बाद जो जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ध्यान सुनिएगा और नोट करते जाइए हो सके तो एक कॉपी में, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला हाई स्कूल की मार्कशीट लगने वाली है, ठीक है। और जितनी भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ सबकी आप जो दो दो फोटो कॉपी निकलवा के रख लेना, ठीक है। पहला आपका जो है हाई स्कूल की मार्कशीट, दूसरा आपका जो है 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है तो भी आप उसकी मार्कशीट ले लीजिएगा। अगर आपका जो है नंबर वाला है तो भी आप जो है इसकी फोटो कॉपी साथ साथ उसकी मार्कशीट आप रख लीजिएगा, ठीक है, बनवा के। तीसरा चीज आपको जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। जिस ईयर में भी आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस भी कोर्स से आपने किया है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी आपने कोर्स से चूज किया था या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। जनरली बात है यार कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तभी तो आप एलएलबी का एग्जाम दोगे या फिर एलएलबी का फॉर्म भरोगे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटो कॉपी आप रख लीजिएगा, साथ साथ अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं मिला अभी तक मार्कशीट तो उसको जो अपने कॉलेज से ले लीजिएगा, ठीक है। चौथा चीज आपका जो टीसी यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर हो तो ले लीजिएगा, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट रहे हो। टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बताता हूँ कि टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मान चलो कि लगभग एक ही है, ठीक है, मान लो क्या होता ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज है तो अपने कॉलेज से आप निकालवा लीजिएगा। दूसरा चीज इसी में कि अगर आपके पास जो है प्राइवेट कैंडिडेट रहे हो, मतलब आपको जो है एफिडेविट क्वालिफाइंग जो है आप रखे हो, तो आप जो नोटरी यानी कि एफिडेविट लगा के पब्लिक कमीशन से आप लिखवा के ले आइएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। पांचवा चीज आपका जो एडमिट कार्ड यानी जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी का, उसका जो है आपको एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि एग्जाम होने के बाद एडमिट कार्ड अपना फेंक देते हैं या फिर कहीं भूल जाते हैं, तो उसको ध्यान से रख लीजिएगा। अभी इसमें आपको बताता हूँ कि एडमिट कार्ड जरूर रख लीजिएगा। लगभग आप मान 10-15% बच्चे जो है अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं यानी कि फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं, ठीक है। तो हो गया एग्जाम, अब क्या मतलब ये सब चीजों का, ये गलती मत करिएगा। आप अपना एडमिट कार्ड का हो सके तो फोटो कॉपी अभी से निकलवा के रख लेना, ठीक है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आप रख लीजिएगा। छठवां चीज आपको जो है कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको ध्यान सुनिएगा। पहला उसमें से जो है अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है अपना सेंट्रल का चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या कि लगभग मान चलो मेजोरिटी में बच्चे यही करते हैं कि वो जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, लेकिन आपको गलती वही नहीं करनी है। आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाओगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कास्ट चाहिए, ठीक है। इसी में जो है दूसरा आपका जो है कश्मीरी, अगर आप माइग्रेंट है यानी आप कश्मीर से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी में जो है तीसरा, अगर आप जो है एनसीसी सर्टिफिकेट अगर पास है तो उसको भी आप रख लीजिएगा, उसकी फोटो कॉपी वगैरह निकलवा लीजिएगा। अगर आपने जो फॉर्म भरते समय एनसीसी आपने सेलेक्ट किया था कि आपके पास जो है ये वाला वेटेज है तो आप जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट आप रखिएगा, अगर एनसीसी किए हो तो, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं। चौथा जो है स्पोर्ट कोटा के जो बच्चे हैं जो अलग से वेटेज लेते हैं, वो भी बच्चे जो अपना सर्टिफिकेट यानी जो स्टेट का या फिर जो सेंट्रल लेवल का आपने जो सर्टिफिकेट पाया है, अगर आपने जो फॉर्म में टिक किया कि हाँ मैंने स्पोर्ट्स कोटा से मेरे पास एक सर्टिफिकेट पड़ा है, तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी साथ ही साथ जो है ओरिजिनल कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। इसी में जो है चौथा आपका, अगर दिव्यांग कोटे से आते हो यानी आप जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बच्चों में से आते हो तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, अगर आप में हो तो आपने फॉर्म में जैसा फिलअप किया होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। इसी में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र लगने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास आय नहीं है यानी इनकम सर्टिफिकेट आपने अभी तक बनवाया नहीं है तो कंफर्म से कंफर्म आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि ये भी बच्चे जो है मेजॉरिटी में गलती करते हैं, इनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है तो भी इनको काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है एडमिशन के वक्त, ठीक। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीजें आप जो है आय यानी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे वो जो है लेटेस्ट होना चाहिए यानी 2021-22 का होगा तो ही चलेगा, ठीक है, 20-20 का ले आओगे तो नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट का जरूर ध्यान रखिएगा ये चीज। और जो है कुछ आपको मैं छोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ, जैसे आप फोटोग्राफ अपनी आप रख लीजिएगा, 2-3 फोटोग्राफ आप रख लीजिएगा। उसी के साथ साथ जो है आप जो है अपना निवास सर्टिफिकेट यानी जो है एड्रेस सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं रख बनवाया तो उसको भी बनवा लीजिए कि आप निवास कहाँ करते हो यानी आपका जो लोकल एड्रेस है वो कहाँ का है, इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है, आप उसको भी बनवा लीजिएगा। तो कुल मिला के आपको एक सर्टिफिकेट बनवाने रहेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको एडिशनल पॉइंट बताऊं, जैसे आपको बैंक का पासबुक अगर पास है तो आप उसका जो फोटो कॉपी निकलवा के रख लीजिएगा, अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप
बनवा लीजिए अपने अकाउंट। ऐसे काम तो नहीं आना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जो है जब आप स्कॉलरशिप के लिए यानी कि वजीफा के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत चाहिए रहता है, ठीक है। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास जो है बैंक का पासबुक नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जितने भी मैं अभी आप इसके पहले जितनी भी चीजें बताएं, अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो ध्यान रखिएगा आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर ये डॉक्यूमेंट लगने वाले। होप करते हैं आपने जितनी भी चीजें रही होगी आपने उसको जो है कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर इन सब में से कोई भी एक चीज मिसिंग हुआ तो आपका एडमिशन तुरंत से तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपके डाउट होंगे तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, साथ साथ इंस्टाग्राम पे आ जाइए, सारे के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए आज की वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों ने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।